Good to see you, sir. It is one of the best initiative which is started by Mote Sahab BMC. What's your take? What's your message to the First of all, I'd like to thank you, Vishwas Mote Sahab, Nagar Sevika ma'am, and NGOs who are involved in this very nice initiative about adopting a tree. Recently, in last 2 years, we have faced two bigger cyclones in Mumbai and in and around Maharashtra's coastal belt. I have also worked in one of the coastal districts. So this very old trees, more than 30-year, 40-year old trees, lots of trees, we have lost those good trees, especially in Mumbai in this recently Tauktae cyclone, which has been there in the month of April, May. So I think this is a very nice initiative of replanting all those or adopting all those fallen trees and planting bigger trees wherever they cannot be restored, and ensuring that we are continuing with our green cover. And definitely I don't have to appeal and say to everybody what all benefits we have by planting trees. And definitely we are facing this coronavirus, and planting trees will definitely act as a air purifier. That is the best air purifier which is available in a most cost effective manner to us. So I'll appeal to all the citizens to plant more and more trees wherever they can. Thank you. Jai Hind, Jai Maharashtra. Vishwas sir, आप क्या कहना चाहेंगे जब अभिषेक सर जैसी शख्सियत जुड़ जाते हैं और आप लोगों को जोड़ते चले जा रहे हैं? मैं देख रहा हूँ आप बहुत सारे पेड़ लगा चुके हैं, एक महीना हो गया है. कितनी हौसला अफजाई होती है जब somebody like अभिषेक सर appreciating your work and is passing the message to the public? या डेफिनेटली 17 मई का जो साइक्लोन हो गया उसके बाद ये जो डिवास्टेशन हुआ था उसको कंपनसेशन करने के लिए कोशिश करने के लिए हमने ये कैंपेन शुरू किया है. ये कैंपेन 29 मई को हेमा मालिनी मैडम के हाथ से शुरू हो गया. आज 15 जुलाई है. हर हफ्ते हम लोग मंगलवार, गुरुवार, शनिवार को ये लगा रहे हैं. इसमें स्थानिक नगर सेविका, नगर सेवक, लोकल रिप्रेजेंटेटिव अलॉन्ग विथ दी वेरियस अथॉरिटीज और इंक्लूडिंग सेलिब्रिटीज, इनको हम जुड़ रहे हैं, एक साथ में आ रहे हैं. आज हमको यहाँ एज अ गेस्ट, चीफ गेस्ट अभिषेक त्रिमुखे सर DCP यहाँ के अपने रीजन के मिले हुए हैं. तो पुलिस और BMC मिलके हम ये कैंपेन और भी बढ़ा लेंगे, यही मैं कहूँगा. सर का तो हमेशा कोऑर्डिनेशन रहता है, तो उसके माध्यम से हम ये पब्लिक गवर्नेंस की बात जो कर रहे हैं उसी में ये भी एक अच्छा मोड लेके हम जाएंगे. मैं स्थानिक नगर सेविका सुनीता मेहता मैडम का भी आभार मानता हूँ, उन्होंने समय पर निकाल के यहाँ पर इसमें हमारे इस कैंपेन को पूरा सपोर्ट करते हैं, नए नए आइडिया देते रहते हैं. कुछ प्लांट्स हम अलग अलग जगह पे लगा रहे, तो आज वार्ड नंबर 70 उनके यहाँ पे हम लगा रहे हैं. तो इसी माध्यम से हम आप सब जुड़ रहे हैं. अरे जुड़ना, ये पर्यावरण के लिए हम जुड़ रहे हैं, तो पर्यावरण मित्र हम बनना चाहते हैं. जैसे BMC अथॉरिटी, पुलिस अथॉरिटी है, नगर सेविका भी कुछ है, वैसे यहाँ के रेसिडेंट का भी सपोर्ट हमको मिल रहा है. हर कोई रेसिडेंट सामने से आके हमको बोल रहे हैं कि हम यहाँ पे लगाएंगे, हम इसको बच्चे की तरह पालेंगे. क्योंकि मेरा मेन मकसद ये कैंपेन का यही है, पेड़ लगाना आसान है लेकिन लगाने के बाद उसको जताना बच्चे की तरह और फिर उसको बड़ा करना, ये भी उतना ही चैलेंजिंग है. और उसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है. हम एज एन अथॉरिटी हम आएंगे, 10-15 दिन के बाद एक आधा राउंड हो जाएगा, बट इसी रेसिडेंट में जो रहने वाले हैं वो अगर सामने से आके उनको देखभाल करते तो हमारा जो ये कैंपेन है उसका उद्दिष्ट सफल हो जाएगा, यही मैं कहूँगा. और सभी को फिर से एक बार धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये अपना मुहिम बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है. बारिश आ रहा है, नहीं आ रहा है, धूप है, उसमें हम लोग खड़े होके अपना फिक्स डट कहते हैं ना, शो मस्ट गो ऑन, वैसे ही हो रहा है. ट्यूजडे, थर्सडे एंड सैटरडे वी आर देयर. हार्डली गेस्ट के हिसाब से टाइमिंग थोड़ा आगे पीछे हो रहा है, बट एवरी ऑल्टरनेट डेज वी आर प्लांटिंग इट. सही में बहुत अच्छा लग रहा है. और साहब जैसे यहाँ पे जब आते हैं तो पूरी टीम को और भी मोटिवेशन मिलता है, और मोटिवेशन के हिसाब से हम आगे जाएंगे, बस यही कहूँगा. थैंक यू मैम. तुम्हारा क्या बोला जाए, बात ऑनरशिप की जब करते हैं, जैसे विश्वास सर ने कहा कि प्लांटेशन करना आसान है लेकिन उसके बाद उसकी देखभाल कौन करेगा, वो लुक आफ्टर इट, कितनी जिम्मेदारी बढ़ जाती है? मैं सबसे पहले हमारे DMC, हमारे DCP श्री त्रिमुखे जी का मैं अभी
धन्यवाद करना चाहती हूँ, हमारे मोटे सर का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने वक्त निकाला और बहुत अच्छा काम वो पूरे के वेस्ट में कर रहे हैं। जैसे अभी स्टॉर्म आया था तो करीब 350-350 बड़े बड़े झाड़ पूरे गिर गए थे, तो करीब 30-40 साल पुराने झाड़ थे। तो हमारे वार्ड में भी करीब 70-80 बड़े झाड़ गिरे हुए थे। तो हम लोग ने, जैसे उन्होंने बताया कि झाड़ लगाना इजी है लेकिन उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। तो हमारा पूरा ज़्यादातर रेसिडेंस इलाका है, तो हमने हर सोसाइटी में बोला है कि आप कम से कम 3-4 अच्छे अच्छे झाड़ लगाइए, जिससे अपने को यानी ग्रीनरी भी रहेगी और अच्छा ऑक्सीजन भी मिलेगा। तो हम लोग ने ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट अपने सोसाइटीज़ में किया हुआ है, और हमने हमारे वार्ड में इरला सोसाइटी रोड से SV रोड और पूरा VM रोड से SV रोड तक का एक पूरा 1.5 किलोमीटर का पट्टा है, उसमें हमने ट्री प्लांटेशन किया हुआ है। अभी हम लोग आगे भी वो करने वाले हैं। तो इस तरह से हम लोग पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्री प्लांटेशन होना चाहिए, उसका देखभाल रखना चाहिए, और हम लोग अपने लोगों को सबको मोटिवेट करते हैं कि आपको करना ही है। हम लोग हर 10-12 दिन में विजिट करते हैं और जहाँ जहाँ भी जो भी उनको चाहिए रहता है, हम लोग ट्री का प्लांट देते हैं, मिट्टी देते हैं, और एक दो आदमी लोगों को भी लगा के रखते हैं कि आप जाके उधर पानी वाटरिंग करिए। तो इस तरह से हमारा भी पूरा शौका रहता है कि हम लोग को ट्री प्लांटेशन को बढ़ाना है। ऑक्सीजन का सबसे बड़ा सोर्स अपने को ट्री है। तो इस तरह, थैंक यू सर। जो अपना कैंपेन है अडॉप्ट अ फॉलन ट्री पीट एंड बी अ गार्डन ऑफ ग्रीन, तो आज के जो अडॉप्टी है वो हमारे यहाँ के स्थानिक नगर सेवक स्थानिक रहवासी है। तो आप जरा बताइए आपको कैसा फील हो रहा है, और बताइए आपका नाम बताइए। सर मोहम्मद जुबैर अंसारी मेरा नाम। हाँ। तो मेरे को तो ऐसा देख के बहुत अच्छा लगा, बोले साफ सुथरा अच्छा सेवक है, मतलब हमें बहुत अच्छा लगा। ओके, तो आप इसको संभालना है जी, जी, बच्चे की तरह संभालना है। थैंक यू, थैंक यू। एक मिनट का आज जैसा कि एक बहुत अच्छा कार्यक्रम हमारे इस पूरे जोन का, जिसको हम बोलते हैं कि दोनों राजा बोलते हैं, महानगर पालिका के राजा विश्वास मोटे जी के वेस्ट के और DCP त्रिमुखे साहब, एक बहुत ही पावरफुल ऑफिसर मिले हुए, और दोनों आज ट्री प्लांटेशन में वार्ड 70 के प्रोग्राम में है। और इनको लोगों को देख करके बहुत लोगों को इसका अपील जाएगा कि साइक्लोन के अंदर में झाड़ गिरे थे, एक झाड़ कितनी ऑक्सीजन देता हो किसी को मालूम नहीं। अभी हमने देखा था कोरोना काल में किस तरह लोग ऑक्सीजन के लिए मर रहे थे, और झाड़ फ्री में इतना ऑक्सीजन दे रहा है, और उसको अगर हम संभाल के चले, वही ऑक्सीजन को हम अपने अपने पर्यावरण के हिसाब से उनको हम बहुत सारे झाड़ के माध्यम से, क्योंकि पर्यावरण रहेगा तभी हम रहेंगे और तभी ये अपना जो भूमि रहेगी। और इस ऐसे सब कार्यक्रम को लेकर के मोटे साहब ने बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बनाया कि साइक्लोन में जितने झाड़, जबकि कोस्टल एरिया के जैसे DCP साहब ने बोले कि बहुत झाड़ गिरे थे, वहाँ तो बहुत अलग अलग पैकेज सरकार से चल रहे महाराष्ट्र शासन के, लेकिन के पश्चिम बोर्ड में जिसको हम बोलते हैं मिलन सिग्नल से ओशीवारा का जो हद्दी में मोटे साहब का जो काम है प्रशंसनीय काम है, पिछले 2 महीने में वो लगातार इस काम में जुड़े हुए, हफ्ते के 3 दिन पूरे डिवोटीज होकर काम को कर रहे, खुद ऑब्जर्व करते, खुद झाड़ जहाँ पे लोकेशन पे जाके झाड़ लगा रहे, जिससे लोगों को मोटिवेशन मिलता है। और यही मोटिवेशन अगर सबको मिले तो मुझे लगता है कि पूरे 10 से 15 लाख की आबादी के लोग और इतने सारे बिल्डिंग और परिसर के लोग उस पर्यावरण को दिशा में एक बड़ा योगदान देंगे, ऐसा इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मोटे साहब और DCP त्रिमुखे साहब। थैंक यू सर, थैंक यू।